नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन पार्ट 6 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज टेक्निकल कैंपेन पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, जो कि ITI स्टूडेंट्स के लिए हैं, लाइक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ है, मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक एग्जाम प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसे ITI, DRDO, सेल, वेल, गेल, OFB, NTPC एंड NMDC एटसेट्रा। दोस्तों, ये अभियान ITI स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है जो अभी जॉब कर रहे हैं या जॉब में लगने वाले हैं या ITI की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है, ठीक है? तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है टेक्निकल कैंपेन के साथ में, कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन में इनरोल होना है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है। जैसे कि मेरे साइड में लोगो दिख रहा है, लोगो देख लेना है, सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन लाइक वेल, सेल, गेल, इसरो, DRDO, OFB, IOCL, ONGC एक्सेट्रा बाई टेक्निकल कैंपेन 14 फॉर टर्नर, फिटर एंड मशीनिस्ट। मोस्ट यूजफुल रिलेवेंट कंटेंट ऑल्सो एनी अदर ट्रेड। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है, मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। देख लेते हैं पहला अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वाइल सेटिंग एंगल विद द साइन बार, विच साइड ऑफ द राइट एंगल डज द साइन बार रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट साइड को, एडजेसेंट साइड को, हाइपोटेनस साइड को, बोथ अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड को। साइन बार के साथ कोण स्थापित करते समय सही कोण के किस तरफ साइन बार का प्रतिनिधित्व करता है? विपरीत पक्ष, बगल की तरफ, हाइपोटेन्यूज पक्ष, विपरीत और आसन दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोटेनियस साइड। दोस्तों, इसका पिक्चुरियल व्यू मैंने आपके लिए दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी है कि इस क्वेश्चन को सही से एक बार समझ लेना। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि वाइल सेटिंग एंगल विद साइन बार, साइन बार से एंगल की सेटिंग करते समय, करने के दौरान, विच साइड ऑफ द राइट एंगल डज द साइन बार रिप्रेजेंट, क्या करता है? जो एक तो राइट एक साइड होगी, राइट एंगल वाली साइड होगी, हाइट होगी, देन राइट उसमें साइन बार का क्या महत्व है? वो क्या प्रदान करता है हमें? हाइपोटेन्यूज साइड प्रदान करता है, जिससे हम एंगल का पता लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका हाइपोटेन्यूज था। तो एक बार देख लेते हैं कैसे मेजर किया जाता है साइन बार के द्वारा। साइन बार का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो तो दो रोलर के केंद्र के बीच की दूरी से दिया जाता है, ठीक है? यहाँ आपको दिख रहा है वो स्लिप गेज है हाइट के लिए, और ये लेंथ मेजर की जाती है साइन बार की, और ये हाइट कितनी हाइट है, इसके थ्रू हम उसका एंगल चेक कर लेते हैं कितना एंगल है इसका। जो हमारे ऊपर ये जॉब दिया गया, इसको 90 डिग्री, सॉरी, पैरेलिटी के लेते हैं 180 डिग्री पे, और उसके बाद जो भी ये एंगल है इसका एंगल हमारे हमारे पास अचीव हो जाता है। जैसे कि यह डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है, इधर एंगल गेज, ये आपको एंगल गेज दिख रहा है, ये साइन बार है, और ये ब्लॉक गेज है। ब्लॉक गेज लाइक बोल सकते हैं हम स्लिप गेज। और ये रखा कहाँ पर है? ग्रेनाइट सरफेस प्लेट पर। ऐसे इधर भी साइड में एक व्यू और दिखाया गया है, वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे आपको यूज़ करना है साइन बार को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर मेजरिंग एंगल्स यूजिंग द साइन बार, द एंगल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द स्लिप गेज एंड द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ साइन बार, नंबर ऑफ स्लिप गेज, लेंथ ऑफ साइन बार, विथ ऑफ साइन बार। साइन बार का उपयोग करके कोणों को मापने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई और के बीच के अनुपात के कोण का गठन किया जाता है। साइन बार की ऊंचाई, स्लिप गेज की संख्या, साइन बार की लंबाई, साइन बार की चौड़ाई। तो करेक्ट आंसर इसका है, एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है एक साइड में आप साइन बार है उसको मेजर कर रहे हैं, और एक जो दूसरी साइड है आपको जो प्रोवाइड कर रही है, हाइट प्रोवाइड कर रही है, देन दूसरी जो साइड है वो साइन बार जो क्या आपको, सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी से कंटेंट से एक घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन यही साइड सेम साइन बार के ऊपर रख दिया है। तो साइन बार क्या करता है? लेंथ ऑफ साइन बार। दूसरी साइड में हम क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड में लेंथ ऑफ साइन बार। एक तरफ हाइट आ गई, एक तरफ साइन बार की लंबाई आ गई, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से एंगल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो लेंथ ऑफ साइन बार इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ड्रिलिंग इन लेथ, ड्रिलिंग करते समय लेथ मशीन में द ड्रिल चक इज हेल्ड इन, ड्रिल चक को किस में पकड़ा जाता है? ड्रिल चक को पकड़ा जाता है टेलीस्टॉक में, हेड स्टॉक, कंपाउंड ट्रेस्ट, बेड, टेलीस्टॉक में पकड़ा जाता है ड्रिल को। एक बार इसको मैं आपको व्यू में दिखा देता हूँ, टेलीस्टॉक इज द करेक्ट आंसर, ये आपको दिख रहा है। टेलीस्टॉक के साथ में आपके और भी जो टेलीस्टॉक से संबंधित पार्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए लेथ पार्ट और अदर दिखाए गए। टेलीस्टॉक कैन बी मूव्ड अलोंग साइडवेज, कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी लोकेशन, इनसाइड टेम्पर्ड टू होल्ड ड्रिल चक, ये चक दिख रहा है लेथ मशीन का, इधर ड्रिल चक दिखाया गया, ये टेलीस्टॉक है, इधर मोस्ट पर आपको यहाँ दिखाया गया, ये ड्रिल चक हमारा, ये ड्रिल बिट है, ठीक है, और ये हमारा काउंटर सिंक बिट है, ये हमारा टेलीस्टॉक हो गया। इसमें हमने यहाँ टेलीस्टॉक के जो एक नोज होता है, नोज पे यहाँ इसके अंदर की साइड में मोर स्टेपर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, स्लीब है, स्लीब के ऊपर ही मोर स्टेपर है, तो इसमें भी यहाँ पर मोर स्टेपर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन इट्स शेप एंड डायमेंशंस आर विद इन द लिमिट वी हैव, इट अपीयर्स टू बी वेरी गुड, इट इज फिट फॉर यूज, द चॉइस ऑफ मेटल इज राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी तब मानी जाती है जब वह फिट होता है फॉर यूज करने के लिए, इट इज फिट फॉर यूज, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई, चॉक पाउडर, पर्सन ग्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर, सबसे ज्यादा समय कौन सा मार्किंग मीडिया लगाता है सूखने में? तो पर्सन ग्लू सबसे ज्यादा टाइम लेता है सूखने के लिए, जैसे कि आपको इधर और भी मार्किंग मीडिया दिखाई गए, बहुत बाइट वॉश तो आपने देखा ही होगा अभी तक, और कॉपर सल्फेट यहाँ दिखाएगा, पर्सियन ब्लू आपको ये दिखाएगा, कॉपर सल्फेट ये है, ये पर्सियन ब्लू है यहाँ पर, और सेलुलोज लेकर आपने देखा ही होगा, तो ये मार्किंग मीडियाज हैं जो कि मार्किंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं, मार्किंग करने के पहले किसी भी जॉब पर, तो ये यूज़ किए जाते हैं। ए फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई ए लेथ मशीन इफ द कटिंग टूल स्मूव, एक फ्लैट सरफेस को कैन प्रोड्यूस की जाती है लेथ मशीन पर इफ द कटिंग टूल मूव करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक लेथ मशीन पर एक फ्लैट सरफेस को कैसे कैसे उसका मतलब निर्माण किया जा सकता है, जिस जब कटिंग जो टूल है उसकी मूवमेंट कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबत होगी, या एक्सिस में होगी, या धुरी के एक्सिस में होगी, समान होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ वर्कपीस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको दिया दिख ही रहा होगा, एक फ्लैट सरफेस हम यहाँ इससे तैयार की गई है हमारे द्वारा, यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार किया गया, उसके नीचे का जो बेस है उसकी फ्लैट सरफेस प्राप्त की गई है, और ये इसी माध्यम से की गई है, इसको जो हमारा ये क्या बोलते हैं क्रॉस स्लाइड के द्वारा इसको फिट देकर, ठीक है, लंबत में इसके द्वारा ये लेथ मशीन पर फ्लैट सरफेस प्राप्त की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्रेड स्नैप गेज आर यूज टू चेक इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल थ्रेड्स द एनविल ऑफ द नोगो एंड आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड देन द गो एंड शार्प एंड क्रेस्ट एंड रूट राउंडेड ऑफ एट क्रेस्ट एंड रूट फुल फॉर्म एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड देन द गो एंड। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा चाह रहा है जो थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग भारी धागों की जांच के लिए किया जाता है नो गो एंड का एनविल के रूप में है, वो क्या होता है, वो ट्रंकेटेड होता है, ट्रंकेटेड एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड देन द गो एंड, गो एंड के अपेक्षा ट्रंकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है, मेरे को एक्चुअल में तो मिला नहीं, थ्रेड स्नैप गेज तो मिला नहीं है, बट उसके टाइप के डबल एंडेड वाला जो स्नैप गेज है वो है, एक धर प्रोग्रेसिव वाला है, दो टाइप्स के होते हैं स्नैप गेज, डबल एंडेड, प्रोग्रेसिव, तो दोनों टाइप के मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। इधर नो गो है, इधर गो है, और इसमें आगे वाला गो है, पीछे वाला नो गो है, ठीक है, तो दोनों टाइप के हैं। थ्रेड का भी सेम ऐसे ही होता है, एक साइड नो गो, एक साइड गो, और इस फॉर्म में भी होता है, प्रोग्रेसिव टाइप में भी आते हैं थ्रेड के, जिसमें इधर रोलर लगे होते हैं, तो दोनों टाइप के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टेपर इज यूज्ड ऑन द स्पिंडल नोज ऑफ ए लेथ हेड स्टॉक
जार्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, पिन टेपर, मोस टेपर। खराद सिर के स्टॉक के स्पिंडल नाक पर किस शंकु का उपयोग किया जाता है? खराद की जो हेड स्टॉक पर है उस पर होता है मोस टेपर। मोस टेपर मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो मोस टेपर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइन्थ नौ नंबर क्वेश्चन है, ए होल इज ड्रिल इन ए लेथ बाई यूजिंग ए डाया 12 mm स्ट्रेट सैंक ड्रिल हेल्ड इन ए ड्रिल चक, जो कि पकड़ा गया है ड्रिल चक में। आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल इट रोटेट्स अलॉन्ग विद द वर्क, घूमने लगता है कार्य के साथ घूमने लगता है ड्रिल कुछ समय पश्चात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द केस फॉर द डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का क्या कारण? कई बार ऐसा है, ये कहना चाह रहा है आप टेलीस्टॉक में ड्रिल को पकड़ते हो और उसे ड्रिल करते हो लैप मशीन पर, तो कुछ समय के बाद क्या होता है ड्रिल ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों घूमता है? वो घूमता है सेंटर नॉट अलाइन्ड, ये कारण नहीं है। फीडिंग बाय टेलीस्टॉक एंड हैंड व्हील इज टू स्लो, स्लो में तो कारण बन ही नहीं सकता। चिप्स गेटिंग क्लोज, ये मे भी हो सकता है। स्पॉटिंग एट द सेंटर इज नॉट डन, तो ये भी नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चिप्स जब ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, जब आप उसको चलाते रहोगे बाहर निकाल के, एक बार कंडीशन देखोगे नहीं, चिप्स निकालोगे नहीं तब तक, तो ये क्या हुआ, यही कंडीशन होती है कि चिप्स गेटिंग क्लोज, चिप्स वहाँ पर क्या होते हैं फंस जाते हैं और वो रोटेट करने लगता है ड्रिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप कंडीशन दिख रही है यहाँ पे, इसमें तो उन्होंने भाई जी ने हमारे जो भी है यहाँ पे चिप्स वगैरह निकाल दिए हैं, बट इस कंडीशन में यहाँ निकाले नहीं होंगे जब क्लोज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवियस ग्रूव्स एंड स्लॉट्स, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। बेस्ट टाइप चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवियस ग्रूव्स एंड स्लॉट्स, के लिए किस टाइप की चीजल यूज की जाती है यहाँ पूछ रहा है, तो उसमें मोस्टली यूज़ की जाती है क्रॉस कट चीजल, इसको कैप चीजल भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया कैसे वर्क करती है ये क्रॉस कट चीजल, यानी कैप चीजल, ऑल्सो नोन एज कैप चीजल। टाइप्स ऑफ चीजल यहाँ पे दिखाए गए हैं, फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, कॉम ऑफ चीजल, साइड कट चीजल, राउंड नोज चीजल, मैनी टाइप चीजल, ऑल्सो मेड ऑफ HCS हाई कार्बन स्टील मोस्टली। ठीक है दोस्तों, इस तरह आज के हमारे टॉप 10 सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इस कंटेंट को प्रोवाइड करने में, काफ़ी सर्च करने में, लाने में, आपके लिए मोस्टली यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कराने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, देन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।